घर खरीदारों के लिए एक बहुत ही जरूरी खबर है। उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी यूपी रेरा ने एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने कहा है कि बिल्डर अब लोकल अथॉरिटी से ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ओसी कहते हैं, ओसी मिलने के बाद ही बिल्डर जो है वो ऑफर ऑफ पोजेशन लेटर जारी कर सकता है। तो क्यों ये कदम उठाया गया है और ये ओसी कितना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्यों ये होना बिल्डर के पास जरूरी है, समझिए मेरे साथ आगे। दरअसल जब भी कोई डेवलपर बिल्डिंग बनाता है तो उसे काफी सारे नियमों को पूरा करना होता है। बिल्डिंग बनकर तैयार होने के बाद अथॉरिटी ये चेक करती है कि इमारत का निर्माण बिल्डिंग बायलॉज और लेआउट के हिसाब से हुआ है या नहीं। अगर नियमों का पालन किया गया है तो अथॉरिटी डेवलपर को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जारी कर देती है। उसी ये बताती है कि इमारत के निर्माण में सारे नियमों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। एक तरह से ये अप्रूवल स्टैंप है कि भाई सारे अप्रूवल इन्होंने लिए, सारे नियम कायदों को फॉलो करके इन्होंने बिल्डिंग को तैयार किया है और आप इसमें रह सकते हैं, ये लिवेबल है। रेरा ने साफ कहा है कि घर खरीदारों को भेजे जाने वाले पोजेशन लेटर में बिल्डर खरीदारों पर किसी भी तरह की डिमांड और शर्त नहीं थोपेंगे। पोजेशन लेटर के लिए एक कॉमन फॉर्मेट भी जारी कर दिया है। रेरा ने ये फॉर्मेट अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है। सभी बिल्डर इसी फॉर्मेट के जरिए अपने ग्राहकों को अब पोजेशन लेटर दे पाएंगे। जो बिल्डर ओसी प्राप्त कर लेंगे उन्हें ओसी प्राप्त होने की तारीख के 2 महीने के भीतर हर हाल में पोजेशन लेटर देना होगा। रेरा ने घर खरीदारों से कहा है कि भाई पोजेशन जब आप ले रहे हैं और पोजेशन लेटर जब आपको बिल्डर देगा तो आप बिल्डर से ओसी की कॉपी भी जरूर मांगे। हालांकि ये जिम्मेदारी बिल्डरों को सौंपी गई है कि बिल्डिंग का ओसी मिलने पर बिल्डर इसकी कॉपी घर खरीदारों को मुहैया कराएगा। अगर किसी बायर को ये सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो पोजेशन लेटर के साथ आपको जरूर मांगना चाहिए। अब सवाल ये है कि आखिर यूपी रेरा को ये कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो पिछले कई दिनों में रेरा के पास ऐसी कई मामले और शिकायतें आईं जिसमें बिल्डर ने ऑफर ऑफ पोजेशन लेटर में कई तरह की डिमांड का जिक्र किया था, जबकि बिल्डर के प्रोजेक्ट्स अभी तक पूरे भी नहीं हुए थे कम्प्लीटली। अभी तक बिल्डर ऑक्यूपेंसी और कम्प्लीशन सर्टिफिकेट के लिए अथॉरिटी में आवेदन करते थे और 30 दिन तक अथॉरिटी ने अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो फिर बिल्डर पोजेशन लेटर जारी कर देता था। बिल्डर इसी नियम का फायदा उठा रहे थे। अथॉरिटी में ऑक्यूपेंसी के सिर्फ एप्लीकेशन को दिया है और वो एप्लीकेशन पर सुनवाई होती भी नहीं थी और पोजेशन लेटर दे दिया जाता था। होता क्या था कि आवेदन सालों साल फाइलों में अटके पड़े रहते थे और बिल्डर फ्लैटों के पोजेशन देकर प्रोजेक्ट से बाहर निकल जाते थे। बाद में घर खरीदारों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जिसमें बिल्डिंग कितनी सुरक्षित है इसे लेकर के भी कई शिकायतें आई थी। रियल एस्टेट एक्सपर्ट प्रदीप मिश्रा कहते हैं कि हर घर खरीदार को फ्लैट का जब वो पोजेशन ले रहा है तो उससे बिल्डर से ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट की कॉपी जरूर मांगनी चाहिए। ये भी हो सकता है कि बिल्डिंग के निर्माण में नियमों का पालन नहीं किया गया हो, जिस वजह से स्थानीय प्राधिकरण ने उन्हें ओसी नहीं दिया हो। ऐसे में अगर कोई हादसा होता है तो इसके लिए लोकल अथॉरिटीज नहीं बल्कि घर खरीदार जिम्मेदार होंगे। प्राधिकरण ने ओसी नहीं दिया है तो इसका मतलब है कि ये बिल्डिंग रहने के लिए फिट नहीं है, लिवेबल नहीं है। प्राधिकरण के ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही आपको मालिकाना हक भी मिलता है। पिछले कुछ सालों में नोएडा, ग्रेटर नोएडा जैसे लोकेशंस पर एक ट्रेंड नजर आया। ये देखने को मिला कि डेवलपर पोजेशन फॉर फिट आउट करके पोजेशन दे देते हैं, जो पूरी तरह से गैर कानूनी है। जब मैं कह रही हूँ पोजेशन फॉर फिट आउट तो इसका मतलब समझिए, आपको फ्लैट में इंटीरियर कराने का पोजेशन मिलता है लेकिन होम बायर को पता नहीं है कि ये पोजेशन फॉर फिट आउट है ना कि पोजेशन लेटर, और जानकारी के अभाव में लोग वहां रहने लगते हैं। इसका नतीजा ये निकला कि बिल्डर ने आपसे पूरे पैसे भी ले लिए और मालिकाना हक भी आपके पास नहीं आया है। रेरा के नए आदेश से बिल्डरों की इस मनमानी पर अंकुश लगेगा और जब आप पोजेशन फॉर फिट आउट में घर में रहने लगते हैं तो उस घर की रजिस्ट्री नहीं होती है और वो घर कितना सेफ है इस पर भी कई सवाल खड़े होते हैं।